हाँ वी कंटिन्यू। अपने पिताजी क्या करते हैं? खेती बाड़ी वाले। अगर हमने इस टाइम बरसात तेज आ गई, जैसे कि आ गई अपनी बार बरसात तेज, तो पूरी फसल हो गई नष्ट हो गई ना। अब जिसके माले अपन को देख, एक तो उसकी सिस्टर होगी ना, उसको कितनी प्रॉब्लम होगी। उनकी सिस्टरों की शादी नहीं होगी, उसको कितनी प्रॉब्लम होगी। किसी के ऊपर ब्याज होगा, उसे कितनी प्रॉब्लम होगी। फिर भी अपने लिए 1 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं पर ईयर का। कहाँ से आ रहे हैं ये पैसे? उसी फसल से ना। अभी तो अपनी मान लो अपनी सिस्टर कुंवारी है, अपन यहाँ लोडो पंक्ति कर रहे हैं, कोई लड़की को ताक रहा है, कोई क्या कर रहा है, माधुर जो बेचो वहाँ पापा जी आज लगा बैठे हैं। मैं मेरे बेटे को बड़ी पढ़ाई करा रहा हूँ, 1-2 लाख तक की तो पक्का विश्वास है मेरे को लग सकता है मेरा बेटा। और वहाँ बेचो यहाँ देखिए तो माधुर जो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, माधुर जो 1 क्लास से आगे नहीं लग निकल रहे हो, वहाँ देखो लड़कियों के पीछे ऐसे भाग रहे हो, कुछ सीखो बैठ कर फोन हम लगे रहते हो। वहाँ देखो घर वाले क्या सोच रहे हैं, घर वाले से कहते पापा मेरे को तो आईफोन चाहिए, टच चाहिए, मेरे को पढ़ाई नहीं होती इसमें ऐसे, मेरे को वो देखना है नेट वाला फोन चाहिए। माधर जो दो खुद पढ़ाई करो ना, पिताजी बोल रहे हैं बुक लेके आना, तू तेरे को जो नहीं आता वो बुक लेके आ, आईफोन में क्या रखा है, बेचो आईफोन दिला देते हैं। चल पापा जी माधर जो किसी ने आज तक बताओ अगर किसी ने पढ़ाई की चीज़ निकाल के रख देगी हो फोन में, आपकी अलग बात है, बहुत कम लड़के आप 100 में से 5% यूज पढ़ाई के लिए करते होंगे फोन का, 5% यूज करते होंगे कि मैं इसमें से पढ़ रहा हूँ, नहीं बाकी 95% तो आप टाइम पास के लिए टिकटॉक चला रहा है, पबजी खेल रहा है, वीडियो देख रहा है, मूवी देख रहा है। बहन जो ये आईफोन इसलिए दिया है पापा ने, बोला था इसलिए पढ़ाई करने के लिए, इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए, कोई डेट मतलब कोई भर्ती वगैरह निकल गई तो उसकी रिक्वायरमेंट। माधर जो मूवी देख क्या रखना है, मिनट मैंने 300 का आता है फोन दे रहा है उसका, कितने का आता है 300 बहन जो, कहाँ से पापा से ही तो आ रहा है वो। बहन जो पापा को पूछना कि पापा आप कहाँ से लेके आए हुए हैं 1 लाख, पापा हिसाब दे देते तो बावला हो जाएगा। पापा ने अगर ब्याज को लेके आया होगा ना तो उसने जान कितनों के तो मोहरे खाए होंगे, कितनों के आगे नीचे झुका होगा, तब जाकर भी आते हैं ये फसल एक बार खराब होगी तो अपना अगले साल के लिए रुपये कहाँ से आएंगे 1 लाख। अब अपना तो कुछ नहीं है, अपन क्या टेंशन ले रहे हैं, फसल खराब होगी अपन के क्या टेंशन है, पापा पापा के टेंशन तो अगले साल का इंतजाम तो वही करेंगे ना, अपना तो कुछ नहीं, अपन को पढ़ना है वो तो पढ़ भी नहीं रहे लड़के को यहाँ पे, पापा वहाँ पर आदत सूख गया टेंशन के लिए जो आगे की फीस के दोनों में आए 1 लाख। और यहाँ लोडो पंपिंग करते जोड़ रहे हैं माधव जो फोन चला रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है घर वालों की, एक बार ये सोच के देखो मेरे पापा यार रुपये कहाँ से लेके आएंगे, अभी सोचना माधव जो कि रुपये कहाँ से लेके आएंगे मेरे पापा, मेरी फसल खराब हुई, मेरे पापा वहाँ टेंशन बिगड़ा हुआ है, मेरी मेरी बेटी बेटा कहाँ से लेके आऊँ रुपये, शादी भी करनी है अभी बेटी की, कैसे होगा ये सब कुछ। तो बहन जी थोड़ा सम्मान करो, पढ़ाई तो छोड़ दो थोड़ा सा, जो कंप्लीट करते मत रहो भाई माधव जो, तो ये लड़के बहन जो एक बार लाइन मार दी तो माधव जो पीछे भागने लगे, उसको जान क्या समझ रही है माधव जो, लड़की है देख लेती है, लड़की तो अपने को बस स्मार्ट साबित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों का लाइन मारेगी, जिससे कि उसको पता चले वो अपने आप में प्रसिद्ध होना चाहती है कि मेरे पीछे कितने लड़के हैं, मेरे को कितने लड़के चाहते हैं। तुम्हें क्या मतलब लड़कियों से, जब पापा आपने बहन से खेती बाड़ी करके या कैसे कैसे करके 1 लाख रुपये फीस कर रहे हैं तो छोटी पंक्ति में क्या रखा है, बहन से लड़ो सबसे बड़ी पढ़ाई करो ना, सभी लड़के बहन समझो, बहन की नजरिए से देखो, बहन बोलो सभी को। बस आज के लिए इतना ही।